हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? हेलो मैम. हेलो मैम. बी आर फाइव. मैं व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट यू? यस आई एम आल्सो फाइन. एंड यस स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ एयर एंड इट्स कंपोनेंट. तो बेटा, आप सभी प्रैक्टिस करके आए हैं? यस मैम. यस मैम. चले तो हम स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि कितने बच्चे प्रैक्टिस करके आए हैं. तो हो रही है सभी को? मैम दिखने लगी. हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आज की एंड आप सभी को रिस्पॉन्स करना है. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा. सबसे पहले बेटा, डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. तो हम सभी ने पढ़ा था कि हमारी एयर जो है वो किन किन चीजों का कॉम्पोजिशन है. दैट मींस कि हमारी एयर में कितनी चीजें इंक्लूड हुई हैं, जानते हैं ना आप सभी? थ्री. यस मैम. चलिए, इसका आंसर कौन बताएगा? यस अनुप्रिया, यू टेल. यस अनुप्रिया बेटा बताइए. अनुप्रिया, माइक ऑफ है आपका. आप बोल रहे हो इतनी देर से, सुनाई भी नहीं दे रहा आपको. फाइव इज द माइनर कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड मेक अप अबाउट 0.03% ऑफ इट. हाउएवर दिस गैस हेल्प have the plant perform photosynthesis to produce food. Carbon dioxide released during respiration by human beings and animals. Very good. चलिए सत्यप्रकाश, आप बताइए बेटा. Carbon dioxide is minor components of the earth atmosphere and makes up about 0.03% of it. However, this gas help to plant perform photosynthesis to produce food. Carbon dioxide is released during respiration of human beings and animals. कौन कौन बताएगा इसका आंसर? बेटा इसकी कंपोनेंट्स ही बताने हैं ओनली. यस अलसबा, नाउ यू टेल. कार्बन डाइऑक्साइड अलसबा बेटा, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है. नाउ यू टेल. यस दिव्या. मैम मैं नहीं याद है आपको कॉम्पोजिशन बताने. आपके एयर में क्या क्या मिला हुआ है? आपके एयर में गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, मैटर. जी सावित्री, बोलिए बेटा. मैम, एयर इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कंस्टेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर. लेफ्ट साइड गैसेस एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक. ऑल दीस कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन एयर इन डिफरेंट क्वांटिटीज. जिनके भी यहाँ से आवाज आ रही है माइक ऑफ करेंगे सभी. और आवाज आने की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम जब आपके भी यहाँ होती है तो यहाँ भी प्रॉब्लम होने लगती है. आवाज नहीं सुनाई देती. जो बच्चे बताते हैं ना उनकी भी आवाज नहीं आती. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. तो हम सभी ने कॉम्पोजिशन पढ़ा था एंड सबसे ज्यादा जो अमाउंट है हमारी एयर में वो कौन सी गैस का है? मैम नाइट्रोजन. रुचि आप बताइए.
कौन सी गैस हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में है? बेटा माइक ऑफ है, ऑन करके बोलिए। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एंड कितना अमाउंट है बेटा नाइट्रोजन का? 78% 78%। चलिए अमन बेटा आप बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन फॉर अस? नाइट्रोजन कोरस। यस मैम, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन? अनुप्रिया आप बताइए। नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबाउंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। इट मेक अप ऑलमोस्ट 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट कंबशन। इट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली बाय लिविंग बीइंग्स। देयर आर सम बैक्टीरिया दैट चेंज नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू सॉलिड नाइट्रोजन दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स। वेरी गुड। यस सुषमा आप बताएंगे बेटा नाइट्रोजन के बाद कौन सी दूसरी गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है? यस सुषमा, ऑक्सीजन। यस निहारिका, नाउ यू टेल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन आवर एटमॉस्फेयर? 21%। वेरी गुड। चलिए आकांक्षा आप बताएंगे बेटा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन? मैम ऑक्सीजन द मेजर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर दिस गैस इज यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गन्स फॉर रिप्रोडक्शन। इट आल्सो सपोर्ट्स कंबशन। इट फैक्ट थिंग्स कैन नॉट बर्न विदाउट ऑक्सीजन। वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कौन देगा? सावित्री। चलिए सावित्री आप बताएंगे बेटा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा और कौन सी गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिली हुई हैं? मैम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और क्या क्या है? मैम वाटर वेपर। वाटर वेपर। चलिए तनिष्का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है बेटा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? मैम कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मिनर कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड मेक्स अप अबाउट 0.03% ऑफ इट। हाउएवर द गैस हेल्प्स द प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। वेरी गुड। तो बेटा अभी हम सभी ने डिस्कस किया है कॉम्पोजिशन ऑफ एयर एंड इसके अलावा हमारे जो एयर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। चलिए अब इसका आंसर कौन देगा? शो मी योर हैंड। यस अलसबा, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मिनरल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड मेक्स अप 3% ऑफ इट। हाउएवर दिस गैस हेल्प्स द प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड। यस अमन, नाउ यू टेल। मैम कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मिनरल कंपोनेंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट्स मेक अप अबाउट 0.03%। दिस गैस हेल्प द प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस फूड। वेरी गुड। यस अनिल, नाउ यू टेल बेटा। मैम कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मिनरल कंपोनेंट ऑफ अर्थ
atmosphere and it's make up about 0.03% of it, and this gas helps the plant perform photosynthesis to produce food. Very good. चलिए बेटा, तो आप सभी कर लेंगे ना इसका आंसर? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताना है ओनली। कर लेंगे ना सभी? यस मैम। सत्य प्रकाश, आप भी कर लेंगे बेटा? यस मैम। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर डायग्राम बनाना है कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। पता है ना आप सभी को कौन सा डायग्राम बनाना है? कॉम्पोनेंट ऑफ एयर, आपकी एटमोसफेयर में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी गैसेस कितने अमाउंट में है, आपको वही वाला डायग्राम बनाना है। ओके बेटा, आपको ये स्पेस दिया है, आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना है एंड सर्कल पार्ट में बनाना है जैसे आपके बुक में दिया हुआ है। ओके Yes, ma'am. And question में और क्या पूछे आगे? Write a brief note about the presence of nitrogen in the air. इसका आंसर कौन बताएगा? Ma'am, importance of nitrogen in the air. Ma'am, yes, Saurabh, आप बताइए बेटा। Ma'am, nitrogen is the most abundant gas in the air. Earth atmosphere, it makes up almost 78% of the atmosphere. Nitrogen does not support combustion. It cannot be used directly by living beings. These are some bacteria that change in nitrogen gas from the atmosphere into solid nitrogen that can be used by plants. The presence of nitrogen makes the soil fertile and animals get atmosphere nitrogen from plants and by consuming other animals. Very good. चले अब इसका आंसर और कौन बताएगा? मैं मार्टेल। सचिन चौहान, आप बताइए बेटा। मैं मार्टेल। Yes, सचिन। Yes, ma'am. Nitrogen is a most absent gas in our atmosphere. It is 78% in air. Nitrogen does not support combustion. It cannot use be directly by living beings. उसके बाद सत्य प्रकाश बताएंगे। यस अमन बेटा, मैम नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबाउंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। These are some bacteria that change nitrogen gas from the atmosphere into soil nitrogen that can be used by plants to make up almost of the atmosphere. Niharika, आप क्या कर रही हैं? आप कोई बटन प्रेस कर रहे हो? एनोटेशन में आपका नाम शो हो रहा है, निहारिका वर्मा। चलिए अब सत्य प्रकाश, आपकी बारी, आप बताएंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज अ मोस्ट एडवांस्ड गैस टू अर्थ एटमॉस्फेयर। इट मेक्स अलमोस्ट 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट कम्बशन। इट कैन बी यूज डायरेक्टली बाय लिविंग बींग्स। There are some bacteria that bring nitrogen gas from atmosphere into solid nitrogen that can be used by plants. चलिए अनुप्रिया, आप बताइए बेटा। मैम क्वेश्चन नंबर सेकंड। यस मैम। सेंसेस ऑफ नाइट्रोजन मेक द सॉइल फर्टाइल। एनिमल
get atmosphere nitrogen from plants and by consuming other animals. वेरी गुड. तो बेटा अभी तक अनुप्रिया के पहले जिन बच्चों ने आंसर बताया है ना, उन्होंने ये भी ऐड किया है कि नाइट्रोजन इज नॉट यूज्ड फॉर कंबशन. तो ये बेटा उसका ड्रॉबैक्स है. आप वहां पर उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बता रहे हो, आप उसकी कमी बता रहे हो. जैसे अगर आपसे कोई बोल दे कि आप कितने अच्छा काम कर लेते हो सारे बताओ, आप उसमें से ये भी बोल दो कि मैं मुझे बहुत ही गुस्सा आता है, तो क्या ये आपकी खूबी होगी? नहीं होगी ना. No, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा इसी तरीके से नाइट्रोजन के आपको बेनिफिट्स बताने हैं, आपको बुराई नहीं करनी है उसकी यहाँ पे, ठीक है? Yes, ma'am. तो आप वो लाइन नहीं यूज करेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज नॉट यूज्ड इन कंबशन. ओके. Yes, ma'am. चलिए तो बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये कर लेंगे ना सभी दोनों क्वेश्चन? Yes, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अ फ्यू कॉम्पोनेंट्स आर प्रेजेंट इन एयर इन लार्ज क्वांटिटीज व्हाइल अदर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज. तो बेटा हम सभी पढ़ चुके हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ चीजें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हैं और कुछ चीजें लेस क्वांटिटी में हैं. तो आपको क्या करना है यहाँ पर, नेम एनी टू कॉम्पोनेंट दैट आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी. तो आपको दो ऐसी चीजें बतानी है जो स्मॉल क्वांटिटी में है और उनके क्या क्या यूज हैं. ओके चलिए इसका आंसर कौन बताएगा सबसे पहले? चलिए यश सुषमा आपसे स्टार्ट करते हैं. यश सुषमा आप बताइए. मैम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर. यस एंड व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड मेक अप अबाउट 0.03%. मैम आई टेल. मैम यस तनिष्का नाउ यू टेल बेटा. मैम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. यस बेटा अब उनके यूजेस भी बताने हैं तनिष्का, कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर वेपर के दोनों के क्या क्या यूजेस हैं. कार्बन डाइऑक्साइड गैस हेल्प्स द प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस फूड. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. मैम वाटर वेपर इज द gaseous form of water and plays an important part in the water cycle. Ma'am, water vapor on condition from clouds, rain, fog and snow. चलिए अब और कौन बताएगा इसका आंसर? Yes. Ma'am. Anupriya, now you tell better. Ma'am, carbon dioxide and water vapor are very small quantity in our atmosphere. The importance of carbon dioxide is that this gas helps the plant perform photosynthesis to produce food, and the importance of water vapor is that water vapor on condensation forms clouds, rain, fog and snow. Very good. चलिए अब next अभिनय आप बताएंगे. अभिनय आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा. नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ यही प्रॉब्लम थी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी. बेटा ईयरफोन है आपके पास? नहीं है. चलिए अभिनय बेटा नेक्स्ट टाइम अगर ईयरफोन हो तो आप उससे क्लास लें, एंड अदरवाइज एक बार आप पहले ही चेक कर लेंगे, ठीक है, कि आपकी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है. यस अस्मित आप बताइए बेटा. यस अस्मित कहाँ गए? अस्मित कहाँ गए? मैम विकास आप बताइए. मैम लाइन पर नहीं. यस अस्मित डिस्कनेक्ट हो गए हैं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो उनके यहाँ. यस विकास
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. यस बेटा, और उनके यूजेस भी बताने आपको. व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? मैं कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन बाय ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स एंड वाटर वेपर. And ma'am, water vapor gases from water and plays important conditions from cloud. Very good. Yes, Ruchi, आप बताइए. Carbon dioxide gas help us plants perform photosynthesis. To produce food, carbon dioxide is released during respiration by human beings and animals. Water vapor. Water vapor on conside from cloud, rain, fog, and snow. चलिए, very good. Yes, Anil, आप बताएंगे इसका answer. मैम, कार्बन डाइऑक्साइड मैम एंड वाटर वेपर मैम कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प The plant perform photosynthesis to produce food. Carbon dioxide is released during respiration by human beings and animals. Water vapors. Mam, water vapors on conditions from clouds, rain, fog and snow. चलिए, very good. तो बेटा, एक बार ये भी हमारी exercise complete हो चुकी है. Yes, ma'am. एक बार हम दोबारा से रिवाइज करते हैं, देखते हैं सभी बच्चे कर लेंगे या नहीं. ठीक है, फर्स्ट हम फिर से रिवाइज करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. चलिए दिव्या बेटा, आप बताइए इसका आंसर. नेचर. यस दिव्या. मैम, कार्बन डाइऑक्साइड It mere compares of the earth atmosphere and makes about 0.3% of its carbon dioxide is required during by human beings and animals. Yes, Aman, now you tell. Ma'am, carbon dioxide is a minor component of Earth's atmosphere. It makes up about 0.03% of it. This gas help the plant to perform photosynthesis to produce food. Very good. Chaliye, Akansha, now you tell beta. Ma'am, carbon dioxide is a minor component of the earth atmosphere and make about 0.03% of it and this gas helps the plant perform photosynthesis to produce food. Very good. चलिए अब next question पे आते हैं. Next question है हमारा, diagram तो बनाना ही आपको, उसके बाद है write a brief note on the presence of nitrogen in the air. Yes, Tanishka, you tell it out. Ma'am, nitrogen is the most abundant gas in the Earth's atmosphere. It makes up almost 78% of the atmosphere. There are some bacteria sends nitrogen gas from the atmosphere into soil. Nitrogen that can be used by plants. The presence of nitrogen makes the soil fertile. Animals get atmosphere nitrogen from plants and by combusting other animals. Very good. Yes, Satya Prakash, आप बताइए बेटा. Yes, nitrogen is the most abundant gas of the Earth atmosphere. It makes up almost 78% of the atmosphere. Nitrogen does not support combustion. It cannot be used directly by living beings. There are some bacteria that change nitrogen gas from atmosphere into solid nitrogen that can be used by plants.
बेटा मैंने भी आपको बताया था कि आपको कंफ्यूजन वाली लाइन नहीं ऐड करनी है कि इट इज नॉट यूजफुल फॉर कंफ्यूजन, ठीक है। चलिए निहारिका आप बताइए। Nitrogen is the most abundant gas in the earth atmosphere. It makes up almost 78% of the atmosphere. The present of nitrogen makes the soil filter, animal get atmosphere nitrogen for plants and the combustion other animals. Very good. Yes, Saurabh, now you tell. Ma'am, second question. Yes, second question answer. Ma'am, nitrogen is the most abundant gas. No, ma'am, the presence of nitrogen makes the soil fertile, animals get atmosphere nitrogen from plants and by consuming other animals. Chili, very good. Yes, Ashmit, aap bataiye, what is the use of nitrogen? Animals get atmosphere nitrogen from plant and by consuming other animals. ओके स्मिथ, आपसे इससे पहले क्वेश्चन पूछा था ना, तो आप यहाँ से हट गए, मुझे लगा आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप इसलिए सेशन छोड़ के चले गए हो। मैम ना, मैं नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। चलिए तो अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अ फ्यू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन एयर इन लार्ज क्वांटिटीज व्हाइल अदर्स आर इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो आपको दो कॉम्पोनेंट्स के बारे में बताना है जो बहुत ही लेस क्वांटिटी में है। चलिए रुचि आप बताएंगी इसका आंसर। नोट भी देना है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग ट्रांजिशनिंग बाय द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। वाटर वेपर ऑन कॉन्साइड फॉर्म्स क्लाउड रेन फॉग एंड स्नो। चलिए वेरी गुड, अब और कौन बताएगा इसका आंसर? सावित्री आप बताइए बेटा। मैम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। वाटर वेपर इज अ गैसेस फ्रॉम द वाटर एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द वाटर साइकिल। वाटर वेपर इन कंडेंसेशन फ्रॉम क्लाउड्स रेन फॉग एंड स्नो। ओके बेटा, वेल ट्राइड। यस अनुप्रिया, नाउ यू टेल। Yes, Anupriya. Anupriya के यहाँ नेटवर्क वीक है शायद। चलिए अमन आप बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज मेड अप 0.03%। This gas help the plant perform photosynthesis to produce food. Water vapor. This gas form of water and plays an important part in the water cycle. Water vapor on condition form clouds, rain, fog and snow. Yes, Anil. Now you tell. Ma'am, carbon dioxide, ma'am, and water vapor. Ma'am, this gas help the plants perform photosynthesis to produce food. Carbon dioxide is released during respiration by human beings and animals. Water vapors. Ma'am, water vapor on condensation from clouds and fog and snow. Yes, because now you tell. Carbon dioxide and water. Carbon dioxide is released during respiration and by the human beings and animals. And water vapor is condensation from the clouds, rain and fog and snow. Okay, very good. Yes, Savitri, now you tell.
Ma'am, carbon dioxide and water vapor. Carbon dioxide is released during respiration by human beings and animals. Water vapor is a gases from water and plays an important part in the water cycle. Water vapor in condensation from cold, rain, fog, and snow. Very good. Yes, Akansha, now you tell. Ma'am, carbon dioxide and water vapor. Yes, beta, carbon dioxide bhi batani. Yes, yes, Akansha, continue. It leaks during respiration by human beings and animals. Water vapor. Water vapor is very mineral components of air. It is the gaseous. Ma'am. चलिए बेटा, वेरी गुड. यस, अब दिव्या आप बताइए. मैम, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर वेपर. कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस हेल्प द प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस फूड्स एंड foods. Water vapors, it is a form of the water and play an important part in the water cycle. Very good. Chaliye, aur kaun batayega iska answer? Yes, Anupriya, aap bataiye. The importance of the मैम, क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एटमॉस्फेयर वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑक्साइड हेल्प द प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. फूड वाटर वेपर हेल्प टू फॉर्म क्लाउड्स एंड फॉग एंड स्नो. चलिए बेटा, तो अभी हम लोग आज डिस्कस कर चुके हैं. आई होप सभी कर लेंगे. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो आपको आज ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. सभी को सबमिट करना है आज के होमवर्क में. एंड सभी बच्चों को आज ही करना है. ओके. एंड नेक्स्ट क्लास में आप सभी बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है एयर पॉल्यूशन वाला, उसे पढ़ के आएंगे. एंड इसके अलावा एक काम आपको और भी करना है. इसके साथ साथ पूरा चैप्टर भी स्टडी करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ही आप सभी लोगों का एमसीक्यू टेस्ट भी है. ओके. मैम, कौन सा वर्ड मीनिंग इसी चैप्टर के? कौन सा? एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस का. मैम, टेस्ट कैसा होगा? मैम, किस तरह होगा टेस्ट? जैसा अभी तक हुआ है आपका, सारे चैप्टर का ऐसा ही होगा. ना बेटा, हर बार वही आपका टेस्ट होगा इस चैप्टर का. यस मैम. ओके, आप लोग. मैम, तो मैम ओनली इसी चैप्टर का होगा? यस, चैप्टर का. एंड बेटा, जो उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप सभी लोगों का दूसरा टेस्ट होगा. जानते हैं आप कौन सा? मैम, नो मैम, आपकी नहीं बेटा, वर्ड मीनिंग का टेस्ट नहीं है. आपकी बुक ए में चैप्टर 1-5, आपके बुक ए में चैप्टर 1-5 पूरी एक्सरसाइज एक साथ दी हुई है. यस मैम, रिस्क एंड रिवीजन. यस, तो आपका उसका टेस्ट होगा नेक्स्ट क्लास में. यानी आप सभी लोगों के पास अभी 3 days का टाइम है. आपको सारे पिछले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 सारा ही रिवाइज करना है. ओके. यस मैम. मैम ओनली बुक का ही है. मैम, बुक में मैम किस से काम करेंगे? तो आप सभी ने पढ़ा तो है ही ना ढंग से? यस मैम. हाँ, तो आप सभी लोग बेटा रिवाइज कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा. इसी बहाने जो थोड़ा बहुत आप लोग पिछला भूल चुके थे वो भी रिवाइज कर लोगे, है ना? मैम, लर्न. यस मैम. तो अभी फिलहाल नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों का केवल इसी वाले चैप्टर का टेस्ट है.
लेकिन जो उससे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप सभी लोगों का उस जो आपका जो रिवीजन वर्क है चैप्टर 1 to 5 उसका पूरे का ही टेस्ट होगा। ओके मैम, क्वेश्चन मैम बुक में है मैम, मैम दूसरे टेस्ट का जो बेटा आपका नेक्स्ट वाला जो टेस्ट है उसका बुक से ही टेस्ट लेना है आपका, ठीक है? हां, 52 पेज नंबर पर है। तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर सब कुछ है ना? यस मैम। यस, तो आपको पूरा लर्न करना है, ठीक है? यस मैम। अगले सेशन में होगा बेटा, अभी नेक्स्ट सेशन में नहीं होगा आपका, जो उससे नेक्स्ट सेशन होगा यानी कि आपका फ्राइडे को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फ्राइडे को टेस्ट होगा, तो फ्राइडे के लिए अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप लोग रिवीजन कर सकते हो, है ना? चलिए yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, बेटा, फिर आज के लिए इतना ही, हम ना नेक्स्ट क्लास में अपना अगला वाला टेस्ट सॉल्व करेंगे, आप सभी लोगों का जो एमसीक्यू का टेस्ट है सभी प्रिपेयर होके आएंगे उसके लिए, ओके? बेटा, फिर आज के लिए इतना ही, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय मैम, गुड बाय, गुड बाय।